ये गैर सही है, इसलिए कि इसमें हरफे इल्लत या आ गया है। एक चीज हम इसमें ऐड करेंगे, हरफे इल्लत जब नंबर टू पोजीशन पे आ जाता है उस गैर सही फेल को अजवफ कहा जाता है। बाब मैं लिख रहा हूँ, बाब है हमारा इफ्तियाल, बाब इफ्तियाल में आता है इफ्ताला यफ्तालु। ले जी, फा ऐन लाम की जगह पर हमने मादा रखना है, ये फा की जगह मैंने खाली कर दी, ऐन की जगह खाली कर दी, लाम की जगह खाली कर दी, माजी से मादा डालें, खा या रा मादा था, इख्तायरा मुजारे में भी इसी तरह डाल लें आप, यख तायरु। अजवफ की गर्दान करते हुए वो जो हरफ इल्लत है उस पे हरकत नजर आए और उससे पीछे जबर हो, तो हरफ इल्लत को अलिफ में तब्दील कर दिया जाता है, तो इस या को अलिफ में चेंज कर दूंगा और ये आपका बन गया जी इख्तारा। मुजारे में हरफ इल्लत पे हरकत है, पीछे जबर है, तो ये क्या बन जाएगा, यख्तारू। इख्तियार, इफ्तियाल के वजन पे लाएं, क्या माना होता है, चुनना। फेले अमर बनाना है मुजारे यख्तारू, हाजिर का जो पहला सीख है उससे हमने बनाना है तख्तारू। हाँ जी, फेल अमर के स्टेप्स, नंबर वन, फेल मुजारे को अखफ कर देना है आपने। पहला सीखा जो है इसके लाम कलिमा पर आने वाली पेश जो है वो साकिन हो जाती है। एक प्रॉब्लम आ गई है, इस साकिन से पहले अलिफ आ गया, तो दो खाली एक जगह पर नहीं रह सकते, एक खाली को ड्रॉप कर दिया जाता है। जोर चलता है कमजोर पे, तो कमजोर या था ना, खाली जो कमजोर है उसको ड्रॉप कर दिया, तो ये आपका बन गया तख्तर। दूसरा स्टेप, अलामत मुजारे हटा दी, नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ने के लिए हमजतुल वसल लगाना है और हमजतुल वसल की हरकत लेनी है बाब नून और काफ में पेश, बाकी सब में जेर। तो फेले अमर तैयार हो गया इख्तर, तू चुन। अब क्या चुन, कलिमतन, एक कलिमा।